प्रदेश में इन दिनों खाद को लेकर किसान परेशान चल रहे हैं, तो वहीं भिंड में भी कलेक्टर सतीश कुमार एस ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं उमरी थाना प्रभारी विनय सिंह तोमर को सूचना पर खाद से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े हैं, जिसमें ट्रैक्टर से करीब 65 DAP और यूरिया की बोरियाँ जब्त की गई हैं। आपको बता दें कि जिले में अवैध खाद परिवहन की इस वर्ष की पहली कार्रवाई बताई जा रही है। अजीत नाम का लड़का ने दो जो है DMO गोदाम से प्रदाय जो है रसीदें प्रस्तुत की, तो उनमें जो है जो दयानंद जी ने जो सूची मुझे प्रस्तुत की थी वो नाम नहीं मिले। इससे सिद्ध होता है कि परिवहन किए गए उर्वरक का जो भंडारण करने जा रहे थे वो अवैध है। कृषि उप संचालक श्री शिवराज यादव जी के साथ में मिलके इसी अभियान के तहत बिशलपुरा में एक ट्रैक्टर को खाद से भरा हुआ पकड़ा है, जिसमें 55 बोरी DAP और 10 बोरियां यूरिया पाया गया। ट्रैक्टर चालक एवं मालिक से उसके बारे में खाद के बारे में कागज मांगे गए, तो उसके द्वारा कोई वैध खरीदने बेचने संबंधी दस्तावेज नहीं थे।